सत चल पे लाइव जी। सत श्री अकाल जी सारे भैन भरावां नूं। मेरा लाइव होने का मकसद की आ, मैं थोड़े ना जिहड़ा लाइव वीडियो बना रहा, यह मेरी पंजाब दे नौजवानों नूं सुननी बड़ी जरूरी है। सवेर सवेर का टाइम सीगा, एक बाप आया, बड़ा दुखी बाप आया। एक दिन असीं इह पहलां भी घटना कुछ तुसीं देखी होणी आ कि एक असीं नौजवान नूं समझा के आए सीगे नशे दे नाल बुत हो रहिंदा। अक्सर ही मेरिया नौजवान सारियां वीडियो देखदे नेगे कि किस तरह जिहड़े नौजवान ने नशे दे विच, सारी मैं गलबात अज नशे दे करनी है, किस तरह जिहड़े पंजाब दे नौजवान ने वह नशे दे विच लग के अपने माँ बाप नूं कुटदे ने, मारदे ने। कई पुत्तां नूं मावां नहीं मिलदियां, वह अपनी मावां बिना तरसदे ने। कई मावां आपदे पुत्तां बिना तरसदियां नहीं, कई मावां आपदे पुत्तां बिना तरसदियां नहीं। पर जिन्हां पुत्तां कोले मावां हैगियां ने, जिन्हां पुत्तां दे मावां हैगे ने, माँ बाप हैगे ने, उन्हां नूं अपने माँ बाप दे मुल दा नहीं पता भी साडे माँ बाप दा मुल की है। साडे माँ बाप दा मुल उह आ कि जिहड़ा किसी दुनिया तो खरीदिया नहीं जा सकता, पाया नहीं जा सकता। साडी माँ दा उह मुल है। उन्हां नूं अपने मावां दा नहीं पता भी साडियां मावां ने साडे लई की कीता, मावां ने किवें सानूं अपने ढिड दे विचों पैदा कीता। पर उह अपने नशे दे विच पूरा ऐन टुन हो के अपने मावां नूं कुटदे ने, मारदे ने। कई इस तरह के नौजवान भी नेगे, अपने मावां नूं छड्ड के शहरां दे विच चले गए, इत्थे मावां रुलदियां नहीं। कई इस तरह के नौजवान मैं बहुत देखे नेगे, वो अपने कम्मां कारां दे विच, कम्मां कारां नूं की करोगे यार जे तुसीं अपने माँ बाप नूं नहीं संभाल सकते, अपने माँ बाप कोले रह नहीं सकते। ये मैं सारी गल उस उन्हां नौजवानों ते करनी है। इस समाज दे विच बड़ियां गल्लां आ रहियां नेगियां कि माँ बाप नूं असीं मौके ते सामदे नहीं, मौके ते असीं सेवा नहीं करते। यह सब तो वड्डी उदाहरण तुसीं कल देखी होनी है, सुनी होनी है, एक माँ प्यो दा, एक माँ बाप दा किवें प्यार आ, दुनिया ने सब सिद्धू मूसेवाले दी जिहड़ी साडे मेरे भरा दी तुसीं सारी कहानी वह सारी सुनी होनी है, देखी होनी है दुनिया दे विच। पर यह मैं सवेर की जी घटना मेरे ना वापरी है, मैं उस पर सारी ये जी गलबात करदा भी मावां नूं किवें जिहड़े जिहड़े पुत्त ने सामभ नहीं रहे, जां कुट रहे नेगे, जां नशे दे विच इस तरह नेगे। मेरे कोले मेरी माँ नहीं हैगी, मैनूं पुछ के देखो, मैं 2-3 साल जिन्ना टाइम उन्हूं कैंसर की बीमारी रही है, मैं किसी पास नहीं गया। तुसीं दोनों भरा किसी पास नहीं गए भी यार जे साडी माँ ही ना बची तो असीं की करांगे, कम करके की करांगे। हुण इस तरह ही मेरी दादी है, मेरा 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 पिता, मेरा घर दे विच मेरी दादी है ते मेरा पिता, मेरा दादा जी है नहीं गे। उन्हां दे लई असीं अक्सर ही कितों भी असीं जाइए कम कर रहे, शाम नूं घरे मुड़दे आं, वापस मुड़दे आं भी नहीं यार भी जे दादा दादी जे बाप तों बिना की है। पर तुसीं नशे दे विच नौजवान नशे दे विच टुन हो के अपने माँ बाप नूं कुटदे हो यार, इह जिहड़ी मेरी गलबात आ सारी अज मैं सांझी तुहाडे नाल करनी है। तो पंजाब दे नौजवान नशियां वल किवें जा रहे हैं, सरकार नूं असीं कि जिहड़ियां मैं इहदे विच जिहड़ियां सारियां गल्लां ने सारियां तुहाडे सामने रख देणियां नहीं आ। असीं सरकारां नूं दोष दिंदे कि सरकारां जिम्मेवार ने नशा जिहड़ा फैल रहा, मैं मानदा भी सरकारां जिम्मेवार हैगियां ने। सरकारां जो कुछ कर रही ने, पंजाब का तकरीबन 13,000 पिंड है, 13,000 के पिंड कोई भी पिंड नहीं बचा जिथे नशा ना हो, जिथे नौजवान नशे ते ना लगे हो, सारे पिंडां दे विच चिट्टा नंबर के नशे फैल गए। पर गल ये मैं कहना चाहना भी सरकारां जो कर दियां ने तो ठीक है, पर तुसीं की कर रहे हो जो तुहानूं पता कि टोआ है, टोए दे विच मूहरे क्यों डिग रहे हो, तुहानूं पता कि मूहरे खूह है, जे असीं खूह तुहानूं देख रहे मूहरे भी जिहड़ा नशे वाला रास्ता है सिव्या नूं लैके जाऊगा, तुहानूं चंगी तरह पता भी नशा जिहड़ा चिट्टा नशा तुसीं पी रहे हो, तुहानूं सब नूं पता कि जदों तुहाडा एंड आ उह सिव्या दे विच जाके होणा। तुसीं कल देखिया होणा भी जिहड़े नौजवानां ने इस पंजाब दे लई अपने लोगों लिए कुछ किया, अपने माँ बाप का नाँ रोशन किया, इस पंजाब के नाँ का नाँ रोशन किया, उन्हें किवें दुनिया रोंदी है, किवें जिहड़ियां दुनिया उन्हें धाहां मार मार रोंदी है। पर जदों एक नशे वाला मरदा है, एक नशे वाला जांदा है, तो तुसीं पिंड दे विच देखिया लोग शुकर मनाउंदे ने, वधिया मर गया यार आपदे माँ बाप नूं कुटदा सी, आपदे माँ बाप नूं मारदा सीगा, तां उहदे कोई 10 बंदे जां 50 बंदे उहदे भोग ते उहदे शमशान घाट विच नहीं जांदे। पर जदों कोई चंगा बंदा अपने पंजाब लई कुछ करन वाला मरदा तां दुनिया रोंदी है, दुनिया नूं याद करदी है। इस करके मैं नशे वाले नूं कहना चाहुंदा सब तो पहला इस चीज़ को समझो। हुण मैं जिहड़ी गल इंपोर्टेंट गल करनी है मावां दी, खास करके मैं देखिया कि कुछ मावां आपदे धियां पुत्तां नूं बिगाड़न दे विच बहुत उन्हां दा मावां दा हत्थ हुंदा, मावां दा बहुत हत्थ हुंदा। जदों असीं बच्चे नूं लाडां दे नाल पालदे आ ना, बड़ा लाडां दे नाल उहनूं कोई कम्म ते नहीं लाउंदे, उहनूं चंगे पासे नहीं लाउंदे, तां बच्चा विगड़ जांदा। जदों बच्चे नूं हमेशा तुसीं शुरू तो मुश्किलां दिखाओगे, जदों बच्चे नूं बचपन तो ही मुश्किलां दा सामना करना पो, नशे वल नहीं जांदा। जदों तुसीं बच्चे की हर एक छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करदे हो, मेरा लाडड़ा पुत कह के, तां उह नशियां दे विच जांदा। सब तो वड्डा कारण इह मावां दा। मैं इस ते थोड़ी जी अपनी गल दिखाउणा चाहुंदा कि मैं अपनी माँ की गल करना चाहुंदा। असीं 4 भैण भरा हां, 2 भरा हां असीं,
मेरे बचपन के जो मैं नशा कितों लैके आना हों भी मैं नशा करना हों मैं बाहरों लिया की लड़ नहीं मैं घरों ही सारा कुछ मिल जाना स क्योंकि मेरा बापू नशे का आदि सगा मैं सारा नशा मैं शराब भी पीण मिल जाने सारे नशे मैं घर के मिल जाने से पर मेरी माँ ने सानू डराया ये नशा जड़ा भी जिदन इतों तक मेरी माँ गल कहती होंगी जिदन तू पुत नशा करेगा भाने समझ ला भी मेरी मरी का मूँह देखेगा इतों तक मेरी माँ ने मैं बचपन तो पूरा डरा के रखा हुआ बचपन तो उन्हें पूरा काम के घसा के रख्या बचपन तो उन्हें खेत के जोड़ के रख्या क्योंकि बापू खेत जाता चाहे ना जाता कई बार नशे के माँ ने रोज़ खेत खेत लैके खेत जोड़ के रखना बचपन के ही उन्हें मझां के काम के पाता खेती वाले काम च पाता पूरा घसा के रख्या माँ ने तो नशे वाल कित जाने दिल ही नहीं कर पता लग गया भी नशा किन्ना माड़ा इस करके बचपन तो ही माँ ने अपनी ज बेशक सारे धर्मों का सत्कार करता क्योंकि असी सिख घर के पैदा हुआ तो बचपन तो ही माँ ने गुरु घर नाल जोड़ना शुरू करता गुरबाणी नाल जोड़ना शुरू करता सी सब तो वड्डी गल आ कि माँ माँ का बहुत बड़ा हाथ हुंदा बच्चे नूं बिगाड़न दा जां बच्चे नूं हीरो बनाउण दा जां बच्चे नूं चंगे पासे लिजाण दा सब तो वड्डा हाथ माँ का हुंदा इस करके मेरी मावां नूं बेनती है भी बचपन तो ही बच्चे नूं पूरा घसा के रखो काम दे विच बचपन तो ही देखो भी की चंगा काम करता की माड़ा करता बचपन तो जिहड़ा उन्हां दा लाड़ापन हुंदा उह बच्चे नूं जदों जवानी दे विच पैर धरदा ना फिर वह नशे वल जां इह बुरे कम्मां वल जांदा इह सब तो वड्डा कारण है दूजी गल मैं करनी है साढ़े घर जी मैं घर आम घर दल्ला करनिया आम पिंड दल्ला कर क्योंकि पिंडा तो जी कहानियां हर एक घर घर की कहानी है ये मैं देखा साढ़े पिंड साढ़े बापू मैं देखा भी बापूआ की मैं गल करदा साढ़े किसानों की या साढ़े मजदूर के बापूआ की गल करदा साढ़े साढ़े पिंड की गल करदा उन्हें कई गल की होंगे जो बच्चा 15-16 साल का होंगे जो जवानी के पैर धरता क्योंकि बच्चे की बिगड़न का जो टाइम होंगे नशे वाल जाने का जो टाइम होंगे वह 15-16 साल तो लैके 20-21 साल तो जो 20-21 साल का समा हों जो 20-21 साल तो नौजवान टप जाता तो उन्होंने अपने आप के पता लग जाता वह बच्चा जे जो उम्र टप गई माड़े पास नहीं जाता यही जो बचाला समा हों 6-7 साल का बिगड़न का बच्चे का समा हों इस करके जे तुम यह समा संभाल के तो बच्चा ये नशे तो दूर रहूगा हूँ मैं गल करनी है बापूआ से पिता से गल करनी है हूँ पिता से गल करनी है कई मैं इस तरह के पिता देखे ने आपके जो कोई माड़ा जहा बच्चा लगता जा शहर बार जा बाहर अंदर जाता तो बापू वह लड़ते हैं बिगड़ना वह गल करनी शुरू कर देंगे लड़ना शुरू कर देंगे जिड़ी कि मैनू ये बचपन के जवानी के मुश्किल का सामना करना पाया इस तरह का मुश्किल का सामना करना पाया जो कि बापू आपके पुत्र चंगी तरह गल नहीं करता फर्ज करो हूँ बापू वड्डा है बापू हूँ जमया तो असल बाप नहीं है ना पुत जो बाप पुत चंगी तरह गल नहीं करता जो तो बाप वो एक मित्रता वाला एक वो प्यार वाला संबंध नहीं रखता तो फिर पुत मन के चल उन्हें गल नहीं करता वो लड़ता उस तरह का वो नशे करने का कारण बन जाता जिमें कि मैं कल परसों साढ़े घर गल समझा के हटा एक बाप में वो बाप वो पुत्र लड़ता रहा भी तू ऐ करता मैं कहना लड़ना इधर एक दोस्त मित्र वाला संबंध बना उन्हें खेत लैके जा इन तू आप लैके जाकर ट्रैक्टर से बिठा के इनू लैके जा जो उन्होंने तू समझाएगा आपके पुत्र एक प्यार वाला एक मित्र वाला संबंध बनाएगा ये तेनों अपनी सारिया मुश्किल दसूगा जेनू तू कहेगा भी लड़के कहेगा इन नशा छड़ देने नशा नहीं छड़ना इन सब तो वह अपने नाल रख अपने मित्र वाला संबंध बना के रख ये प्यार रह बापू साढ़े की करते हैं मैं कई थावान पर जी सा पिंड देखा जोड़े नौजवान नशा करते हैं गे बापू उन्हों उस तरह का संबंध नहीं रखते उन्होंने मुश्किलों नहीं समझ सकते क्योंकि बापू तो बड़ा होंगे बापू तो कोई 20 साल बड़ा होंगे कोई 30 साल बड़ा होंगे कोई 40 साल बापू बड़ा होंगे पुत तो पुत तो अक्सर पुत ही होंगे प्यो अक्सर प्यो ही होंगे इस करके पहला बापूओं का काम है कि वह बच्चों उस तरह का प्यार वाला संबंध बना जिस तरह की कल बई सिद्धू मूसेवाले के बाप ने उत्थे गलबात सारी करी है वह सारी उत्थे जी स्पीच चल रही सारी थोड़े तक पहुंची है ना उस स्पीच सुनी है ना उन्हें बाप ने अपने पुत वाला पुत नाल रिश्ता चंगा बनाया तो पुत ने बाप नाल चंगा रिश्ता बनाया वह बहुत वड्डी एक मिसाल है बहुत वड्डी एक मिसाल दुनिया को देखने को मिली भी प्यो पुतों का रिश्ता एक एक यारी मित्र वाला रिश्ता सिद्धू बई ने भी बहुत समय तो यह बोलिया भी मेरा बाप का रिश्ता मेरे प्यो नाल रिश्ता इस तरह का एक यार दोस्त वाला एक मित्र वाला रिश्ता है यह सब तो वड्डा कारण है कि जेडे बाप ने गे वह आपके अपने पुतों के नाल उह जिहा रिश्ता नहीं बनाते उन्हें लड़ना शुरू कर देते उन्हें गलबात नहीं करते यह सब तो वड्डा कारण है नशे वाल लैके जाने का इस करके इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना बड़ा जरूरी है ये कारण नशे वाल जाण दा ये काम ये कारण बुराई वाल जाण दा हुण मैनू मैं किन्ने जिन्या भी नौजवानों ने मत्था मारना भी बई तुसीं नशा बहुत करदे हो तुसीं यार दूर रहो इहदे विच जाके की करना यार इहदे विच नशे दे विच क्यों तुसीं नशे दे विच पै रहे हो आखणगे बई असीं तेरे वीडियो बहुत देखदा तू बड़े चंगे काम करदा सानूं वधिया लगदा तू बंदा जे मैनू जे तुसीं समझदे हो मैं तुहानूं वधिया लगदा
जे चलो मैं थोड़े चल मैं कई मैं चंगा नहीं लगता होना, हो सकता मैं 50% लोग जो मैं देखते हैं उन्होंने मैं चंगा ना लगता हाँ, 50% मैं चंगा लगता हाँ, मैं जरूरी नहीं है भी एक इंसान सारा चंगा लगे। जेडे नौजवान देखते हो जां मेरी गल सुनते हो, मैं सुनूं एक ही गल कहना चाहना, पंजाब के जेडे नौजवान नेगे, पंजाब की जिहड़ी जवानी है, पंजाब की जे जवानी चंगे पासे तुरदी है, चंगे रास्ते तुरदी है, तां पंजाब की जवानी इतिहास बनाउंदी है, पंजाब की जवानी बड़े 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 इतिहास बनाउंदी है, जदों वह चंगे काम पासे तुरदी है, जदों वह जे पंजाब की जवानी आ बुरे कामां तों दूर हो के चंगे कामां वल तुरे ना, तां पंजाब दा दुनिया ते नां तां पहलां वी हैगा ते होर तुसीं वड्डा कर सकदे हो, होर तुसीं वड्डा कर सकदे हो। जे पंजाब की जवानी की गल करिए, जिन्ने बारी भी यह भारत गुलाम होया, पंजाब की जवानी ने अपना खून डोल के आजाद कराया। बेशक साढ़े गुरु साहबाना की गल कर लो, गुरु साहबाना वेले बड़े योधे से, गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी टाइम, बाबा बंदा सिंह बहादुर टाइम जिन्नियां जंगा लड़िया, जिन्ने युद्ध लड़े, वह तो बड़े साढ़े नौजवान योधे से, अपना खून डोलिया उन्होंने, इस देश को मुगलों तो आजाद कराया। फिर आजादी की गल कर लो, भगत सिंह वर्गे, राजगुरु सुखदेव सिंह वर्गे, करतार सिंह सराभे वर्गे, जो उन्होंने जो चंगे पासे वह चंगे पासे तुरते थे, उन्होंने अंग्रेजों तो साडा इस भारत को आजाद कराया। सब तो वध कुर्बानियां ने पंजाबियों ने दित्तियां। इस करके जे पंजाब के नौजवान चंगे पासे तुरनगे तो इतिहास बनता है, तो दुनिया से नाम बनता है। हुण अज पंजाब के नौजवान मैं देखा कि नशियां दे विच तुरे जांदे ने, बहुत सारे नौजवान नशियां दे विचों निकल के आए ने, वो बड़े 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 चंगे काम कर रहे हैं, बुराई दे विचों निकल के आए ने, नौजवान वह नौजवान वह नौजवान दुनिया के आइडल बनते हैं गे, जिहड़े निकल के आए हैं गे। इस करके पंजाब की जवानी वो नशियां दे विचों निकलूगी तो बड़ा बड़ा इतिहास सिर सकती है, क्योंकि इस पंजाब नू इहनू खत्म करन लई बड़ियां बड़ियां एजेंसियां, बड़े बड़े लोगों का इस पर नज़र है, इस पंजाब नू खत्म करन लई, पंजाब की जवानी नू खत्म करन लई। मैं पंजाब के नौजवानों नू कहना चाहुंदा, जे पंजाब का कोई भी नौजवान नशा छड्डना चाहुंदा, कोई भी सेंटर दे विच जाके नशा नहीं छड्ड सकदा, इह मेरी गल नोट कर लिओ, पंजाब का कोई भी सकता दवाइयां दे नाल नशा नहीं छड्ड सकदा, जिन्ना मर्जी मत्था मार लिओ, वह नौजवान एक चीज़ नाल नशा छड्ड सकदा, जे नौजवान वह गुरु घर के नाल जुड़ जूगा, गुरु ग्रंथ साहिब के फलसफे नाल जुड़ जू, गुरबाणी के नाल जुड़ जू, वह नौजवान नशा बहुत जल्दी छड़ सकदा, वह नौजवान एक चंगा नौजवान बन सकदा। यह मैं अपना प्रैक्टिकल किया, गुरु घरों हर एक चीज़ मिलती है, हर एक शक्ति मिलती है, वह नौजवान गुरु घर के नाल जुड़ के नशा छड़ सकदा, जे कोई भी नौजवान नशा छड़ना चाहुंदा। इस करके नौजवानों मेरिया थोनू बेनतियां ने गिया, खुश हो रहा है? हाँ भाई, इसलिए बूढ़ा नहीं हो पाता है वो, क्यों बात सही है कि गलत है? सही बात, इसलिए नशा अच्छा है, नशा छोड़ दो, क्योंकि बूढ़ा होने से ही मर जाएगा आदमी, अच्छा आदमी बनो, अच्छा किस्मत। मैंने एक बात बता, बिहार दे विच कितना कि चिट्टा नशा है? बिहार विच चिट्टा नशा नहीं है, खाली तमाकू बीड़ी गांजा दारू है, शराब नशा नहीं है, शराब ज्यादा है ना बिहार, शराब ज्यादा है बिहार, गांजा भी ज्यादा है ना, गांजा भी ज्यादा है, गांजा पी लेता है बंदा मर जाता है। अच्छा, गांजे नाल? गांजे नाल, गांजा शरीर दुखता है। अच्छा, हाँ, तमाकू खाता है, खाँ खाँ करता है, बिल्कुल उसको ज्यादा आता है, ज्यादा भी बहुत खाता है। अच्छा, इससे बुरा होने से उसला पहले मर जाता, उसको दवाई नहीं देता डॉक्टर। अच्छा, तू मर जाओ भाई, मेरा कहना मानो, तू नशा छोड़ोगा तो बचेगा, नहीं खाएगा तो बचेगा, नहीं खाएगा तो नहीं मरेगा, यही नशा है। अच्छा, तम्बाकू खाने वाला आदमी बुरा हो जाता है। हाँ, मर जाता है ज्यादा। हाँ, तम्बाकू दारू सिगरेट मत खाओ भाई, क्योंकि वो बुरा होने से पहले मर जाता उसको। एक गल मैं दस, तू चल मैं पंजाब ना, तू बिहार ना, साडे भरा तुसी, ए यार जो पता है भी खूह है, इस खूह च डिगदे क्यों ने, नशे च बढ़दे क्यों ने? हां, जान के दिखता है, नशा खाने वाला तू खूह में डिगेगा कि? एक मैं तेनू गल करदा हुण, थोड़े बिहार दे लोक मेहनत बहुत कर रहे ने, हुण बहुत अगे जा रहे ने, इस करके साडे थोड़ा पंजाब दे विच पिंडां दे विच नगार एक आई है, गिरावट आई है कि नशे दे विच लगे पए नेगे। इस करके मेरी नौजवानों तुहानूं बेनती इही सीगी, मेरी वीडियो देखदे नेगे, मैनूं इह सीगा भी मैं इस चीज़ ते गल थोड़े नाल करां, इस चीज़ ते थोड़े नाल गलबात करां, कि जिहड़े मैनूं देखदे हो, जदों बई तुहानूं पता खूह दे विच ना डिगो यार, इस करके चंगे पासे चंगे रस्ते जाओ, ते तां थोड़ा जिहड़ा ओह जिंदगी दे विच थोड़ा तुसीं अच्छा रहेगा। ते दूसरी बात, दूसरी गल मेरी इह है कि साडा जिहड़ा हुण इस टाइम असीं देखिए ना, पंजाब दे नौजवानों का हालात माड़े होंदे जांदे ने,
असी मार्शल कौम असी लड़न वाली कौम हाँ असी इस दुनिया ते राज कीता इस दुनिया ते राज करन वाली कौम हाँ इस करके साढ़े खून दे विच चीज़ां बगावत होनी चाहीदी है। ये ना हो भी असी नशे दे विच ही बड़ी जाने बगावत होनी बहुत चंगी गल है लड़ना बहुत चंगी गल है पर जे कोई नशेड़ी अपने लोगों लई नहीं लड़ सकता जिहड़ा नशेड़ी आ वह अपने लोगों की गल नहीं कर सकता जो नशे दे विच बढ़ के तो गल नहीं कर सकता चंगी से रोटी भी नहीं खा सकता नशा खाने वाला आदमी बिल्कुल हाँ रोटी खाए कैसे खाएगा उसका अंदर में तो नशा क्या खाएगा संभाल कर रोटी वो भाई रोटी छोड़ जाए जल्दी मंजे में सो गया पांच चौदह नहीं खाएंगे रोटी उसका शरीर का नशा है क्या खाएगा चंगी से रोटी वो इसलिए वो आदमी मर जाता है बिना रोटी से नशे से मर जाता आदमी पी जादू पी ले ज्यादा ना तो मरना मरना है वो बंदा टीकेगा कैसे ज्यादा दारू पी जब मरेगा कि रहेगा क्यों बस सही है गलत है जादू दारू ज्यादा मत पियो जितना हिसाब ना पियो एक पैक पियो मंजे में सो जाओ रोटी खा करके आराम से वो आदमी सही अच्छा रहता है ज्यादा दारू पी कर आदमी मर जाता है बचता नहीं है दुनिया में सुबह में काम भी नहीं होता काम भी नहीं शरीर ढिला हो जाता है दारू पी के बंदा मरेगा कि रहेगा इसलिए भाई जितना चंगा है भाई साहब मेरी ना उम्र काफी होगी मैनु ये नहीं पता भी शराब किस तरह का स्वाद किस तरह का होंगे शराब का टेस्ट किस तरह का होंगे जो आप पैकेज लाने देखते भी आया नहीं करते भी कौड़ी है कौड़ी है मैं हूं नहीं पता भी कौड़ी है कि मिठी है कोई स्वाद लैन की मारी करी जाने भी आ कौड़ी है मैं ये टेस्ट भी नहीं पता इस तरह का शराब का शराब की आदत बहुत बुरा है यार अच्छा नशा नहीं है वो रोटी खा भी नहीं सकता बंदा मरा समुद्र बुरकी भी नीचे दिख जाता नशा खाने वाला आदमी चलो ठीक है जी धन्यवाद जी थोड़े ना गल्ला थोड़े ना करने से गया पूरा खुश है बंदा कहना गल्ला पूरियां वधिया करियां नहीं सही बात है गलत बंदा गलत बात बोलेगा अच्छा बंदा अच्छा बात बोलेगा सारे बंदे को समझाएगा अगर नहीं समझा तो अपना अपना जा भाई कितने बंदे देखे थे देखे 1400-1500 बंदा आदमी देख रहा है भी हूँ मैं 1400-1500 बंदा जो मैं देख रहा वो जो कोई किस कोई बंदा कोई 20-50 बंदे नौजवान यह जे हो गए उन्होंने कोई गल खाने पैजू तो वधिया गल ही है वैसे मैं एक कलाकार हाँ एक ना साडे कलाकार कोई किस तरह की वीडियो बना कोई किस तरह की जो मैं चंगी गल करूँगा मैं एक गल दसदा भाई साहब मैं ना एक ट्रीज लगाउण दा उधरले साडे उधरले साइड अपने काम किया हुआ दरख्त लगाउण दा मैनूं बहुत सारे नौजवान हुण सारे मिलण आउंदे ने कहिंदे भाई तैनूं देख के असीं सास जी पिंड दे विच दरख्त ला रहे हां तैनूं देख के असीं आह काम कर रहे हैं खुशी हुंदी आ वी यार मैनूं वी मैनूं देख के कर रहे ने बहुत चंगी गल आ तां मैनूं होर चंगा करना चाहीदा हां मैनूं होर चंगा करना चाहीदा उह कहिंदे सी असीं मैं इक लहर चलाई आ वी पंजाब दे विच यार वी दरख्तां दी लहर चलणी चाहीदी क्योंकि तुहाडे बिहार च किन्ने कु दरख्त ने ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਰ ਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਬਹੁਤ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਰਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੱਡੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਉਹਦੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ ਲਹਿਰ ਚਲਾਓ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਾਓ एक जो लहर बन जाती है जो तुम बोलते हो किसी भी समाजिक मुद्दे तो यह नहीं है भी अज मैं बोल रहा मेरे अज बोलने वाले सारा कुछ होजू अज नहीं सुधार होंगे फिर एक हर एक चीज़ की लहर बनती है जिमें देश गुलाम सीगा पहला आजादी घुलाटिया ने बड़ा सहम समा लड़े भी असं गुलाम हाँ असं आजाद होना चाहते हाँ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆ ਆਪ ਵੀ ਸੁਧਰੋ ਦੂਸਰੋ ਵੀ ਸੁਧਾਰੋ ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਬੋਲੋ ਉਸਕੋ ਵੀ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਮਤ ਲੈ ਜਾ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੁਛ ਸੁਧਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਤੂੰ ਹਾਂ ਬੋਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਲੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚੱਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੰਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਵੱਧ ਨੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਸਦਾ ਅਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਅਮੀਰ ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਸਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਨਾ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਰਤ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 80-90% ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਘੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਸ਼ਾ ਨੇ ਕੁਛ ਚੁਮਰ ਲਿਆ ਨਾ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟੇਗਾ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਣਖ ਹੋਊ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊ ਉਹ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੀ ਗੀ ਜੈਸੇ ਕਿ 200-300 ਰੁਪਿਆ ਨਸ਼ਾ ਕੇ ਬੋਤਲ ਆਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਛੋੜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਨ ਖਾਓ ਸਰੀਰ ਕੋ ਬਣਾਓ ਹਾਂ 300 ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਣਾਓ ਸਰੀਰ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਸ਼ੇ ਕਿਸੇ ਕੀ ਬੁੱਧੀ ਮਤ ਦੋ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਕੋ ਉਸਕੋ ਸੁਧਾਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨ ਖਾਓ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਸਰੀਰ ਤਾਕਤ ਰਹੇਗਾ ਸੁਧਰੇਗਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕੇ ਸਭ ਬੰਦਾ ਸੁਧਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਤਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਖਾਏਗਾ ਰੋਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਖਾਏਗਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਹਾਂ ਚੱਲ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਕੁੱਟਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਬਾਪ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਾਪ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਹਟ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਦੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਖੇਤ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ